बचपन से हम कहावत सुनते हैं आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ये कहावत हमारे क्रिकेटर पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि खेलकर ही ये क्रिकेटर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन क्रिकेटरों का कमाल तो आपने क्रिकेट के पिच पर खूब देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई में ये कैसे थे? तो हम आपको बताते हैं किस क्रिकेटर ने की है कितनी पढ़ाई। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बहुत कम उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला। सचिन ने बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाई की। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची से 12वीं की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने बीकॉम में एडमिशन भी लिया। हालांकि उनका बीकॉम पूरा नहीं हो पाया। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी पढ़ाई का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, उन्होंने भी 12वीं तक ही पढ़ाई की। सुरेश रैना हाई स्कूल पूरा करने के बाद क्रिकेट खेलने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें आगे की पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। शिखर धवन ने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद क्रिकेट में व्यस्त हो गए कि उन्हें आगे की पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। अपने बल्ले से चौके छक्कों की बौछार करने वाले क्रिकेटर युवराज सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की है। रोहित शर्मा ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की, उसके बाद उन्हें क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उमेश यादव ने शंकर राव चौहान विद्यालय से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जहीर खान श्रीरामपुर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन क्रिकेट के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।